में फंसा हुआ जहाज निकाल लिया गया है। तमाम लोग महफूज हैं। शहर से दूर हूँ पर खबरों से दूर नहीं। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी। पाकिस्तान में कैदियों का जेल से भाग जाना तो कोई नई बात नहीं है, मगर किसी भी अस्करी दस्ते का जेल पर हमला करके खतरनाक तरीन कैदियों को छुड़ा ले जाना बड़े ही अचंभे की बात है और उतना ही काबले तफ्तीश भी। कालादम तहरीके तालिबान ने बन्नू जेल पर हमला क्यों किया? अदनान रशीद कौन था और क्यों इतना अहम? सजाए मौत की कोठड़ी से फेसबुक पर लॉग इन करने वाला अदनान क्या अलकायदा मेंबर भी हो सकता है? बन्नू जेल पर हमले की मंसूबाबंदी कहां हुई और क्या अखराजात उठे? इस दहशतगर्द हमले के अगराज व मकासद के साथ साथ इस तहकीकाती डॉक्यूमेंट्री में आप हमलावरों के तरीका वारदात समेत उस रात वहां पेश आने वाले वाकयात का तफ्तीशी अंदाज से जायजा भी ले सकेंगे। तो दूसरी तरफ दहशतगर्दों का राह फरार भी हमसे छुपा नहीं रहेगा। मुसल्ला अफराद के दस्ते की तरफ से जेल में 2 घंटे तक कानून की धज्जियां बखेरी जाती रहीं। पुलिस या दीगर सिक्योरिटी इदारे क्यों हरकत में ना आ सके? क्या आप जानते हैं कि अदनान रशीद को उडियाला जेल से बन्नू जेल तक शिफ्ट कराने में हमारी वफाकी और 2 सूबाई हुकूमतें कितनी आसानी से इस्तेमाल हो गईं? किसी भी अच्छे तफ्तीशी की तरह हम भी मौका वारदात से तफ्तीश का आगाज करते हैं। इस वक्त कालादम तहरीके तालिबान का एक अस्करी दस्ता बन्नू जेल पर हमले की तैयारी कर चुका है, मतलब हमलावरों के साथ हमले को फिल्माने का अलैदा से बंदोबस्त भी किया गया है। जबकि जेल के अंदर मां सिवाय एक कैदी के शायद ही कोई ये जानता हो कि यहां क्या होने जा रहा है। ये बात तय है कि दहशतगर्दों का ये हमला किसी फौरी इश्तियाल का नतीजा या बलवा नहीं है। इसे साबित करने के लिए हमलावरों के जेरे इस्तेमाल असलहा और इनका तरीका वारदात ही काफी है। इससे कबल कि हम बन्नू जेल हमले की तफ्तीश का बाकायदा आगाज करें, हमें पहले बन्नू की जुग्राफियाई मालूमात के साथ साथ यहाँ के हालात को भी सामने रखना पड़ेगा। बन्नू जो है वो गेटवे है शुमाली वजीरिस्तान का, दरवाजा है, ठीक है। तो आप बन्नू से गुजर कर बक्का खेल के रास्ते जानते हैं खजूरी चेक पॉइंट है और वहाँ से फिर शुमाली वजीरिस्तान शुरू होता है। मीर अली है, मीरान शाह है। बन्नू पाकिस्तान का एक ऐसा अनोखा शहर जहाँ हफ्ते में 2 बार ईद मनाई जाती है। सकाफत और रवायात की बात हो तो बन्नू इसमें भी मुनफरिद है। बन्नू में खुशी के ये शादियाने और रवायती रक्स, बमबारी और धमाके तो क्या कर्फ्यू भी रोक नहीं पाया है। मैं जो करक से आता हूँ तो सिर्फ जो खैबर पख्तूनख्वा में जो खुश रह गया है वो बन्नू में रह गया है। सिर्फ ये देखने आए हैं कि यहाँ पे कितनी खुशी होती है, कितना जश्न होता है। यहाँ पे लोग आते हैं सैर व तफरी के लिए, खुशी के लिए, बड़ा मजा आता है जी। यहाँ पे लोग लपड़ा नहीं करते, अपना खुशी मनाते हैं, ये मिशन है हमारे लोगों का। बन्नू को अगर जुग्राफियाई एतबार पर परखा जाए तो इसकी सरहदें वजीरिस्तान तक फैली हैं। इसे यूं भी कहा जा सकता है कि ये एक तरफ तो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस का बेस कैंप है तो दूसरी तरफ कालादम तंजीमों के अफराद ने भी यहाँ पंजे गाड़े हुए हैं। लक्की में अपने तालिबान है, सराय नौरंग में अपने तालिबान है, बन्नू में अपने तालिबान हैं, जो कि ओवरऑल वो फिर इंस्ट्रक्शंस लेते हैं तहरीक तालिबान से। बन्नू एक ऐसा शहर है जो मुसलसल हिट लिस्ट पर भी रहा है। यहाँ शायद ही कोई थाना या चौकी हो जिस पर हमला ना हुआ हो, खास तौर पर बकाखेल थाना की ये चौकी। इस पुलिस चौकी पर 2 दर्जन से जायद हमले हो चुके हैं जिनमें रॉकेट और खुदकुश हमले भी शामिल हैं।
बार बार निशाना बनाए जाने के बाद इस पुलिस चौकी को अब जेरे जमीन शिफ्ट कर दिया गया है। हमें इस चौकी के अंदर जाने की इजाजत नहीं है, मगर ये बात सच है कि अंडरग्राउंड जाने के बाद इस चौकी पर कोई हमला नहीं हुआ है। चौकी है, उसका बरामपुल नाम है उसका। इस पर 2-3 दफा शरपसंदों ने हमला किया, तो इसकी वजह से उन्होंने इसको जमीन दोज बनाया है। तो अभी बिल्कुल कंट्रोल है, और साथ ही हमारा तबलीगी मस्जिद मरकज है, काफ़ी अर्स रकबे पर वक़ है, और इंशाल्लाह भी तमाम शरपसंद जो है इस इलाके में नहीं है इंशाल्लाह। इस पुलिस चौकी पर हमलों की बुनियादी वजह यह है कि मीरानशाह शुमाली वजीरिस्तान से बन्नू आते हुए ये किसी भी दहशतगर्द के लिए पहली रुकावट है। तस्वीर का दूसरा रुख देखें तो यहाँ तैनात सिक्योरिटी एहलकार हमा वक्त अपनी जान हथेली पर लिए हमारे लिए अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। शहर में तो कोई भी नहीं है ऐसा शरपसंद, ये हमारा एरिया जो है वो बहुत नज़दीक है एफ आर के साथ, तो उन इनकी वजह से ये मतलब ये कि आसानी से आ जाते हैं, मतलब ये 5-10 मिनट में वो पार हो जाते हैं, 5-10 मिनट में अंदर आ जाते हैं। बन्नू से हासिल करदा मालूमात के मुताबिक दहशतगर्दों ने बन्नू तक पहुंचने के लिए यही रास्ता इस्तेमाल किया। ये भी तय है कि सब के सब हमलावर किसी काफले की सूरत में नहीं आए, बल्कि मुख्तलिफ औकात और मुख्तलिफ गाड़ियों में हमलावर और असलहा दोनों मीरानशाह से इसी रास्ते के जरिए बन्नू में दाखिल हुए। मुसद्दिका मालूमात के मुताबिक 200 के करीब हमलावर 25 गाड़ियों के साथ 4 ट्रैक्टर्स और कुछ लोडर्स ट्रक्स भी साथ लाए थे। जितने भी लोग थे इलाके के लोग उनके साथ शामिल होंगे ज़रूर, ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो अफगानिस्तान से है और उसको बन्नू जेल का पता ना हो, ज़रूर उनके साथ उस इलाके के लोग इन्वॉल्व होंगे। ये भी पॉसिबल है कि उनके साथ अंदर के कोई हमला इन्वॉल्व हो। हकीकी मानों में ये एक ऐसा वाक़िया है कि 4 साल जो हमने मेहनत की थी, जो टेररिज्म को कंट्रोल करने के लिए हमने कुर्बानियां दी थी, ये एक वाक्य की वजह से वो मान पड़ गई। गो के हसास इदारे ऐसे किसी भी हमले की पेशगी इतला दे चुके थे, मगर इसके बरक्स हकायक ये हैं कि उस रात जेल में तैनात 33 जेल एहलकारों में से 23 गैर हाजिर थे। सुप्रिंटेंडेंट जेल छुट्टी पर था, तो ड्यूटी पर तैनात असिस्टेंट सुप्रिंटेंडेंट जेल घर पर खाबे खरगोश के मजे ले रहा था। ये वाक़या अगर हुआ है तो वो लोकल लोग थे, छुट्टी पे गए थे, और इस उनकी गलती की वजह से अब पूरी सूबाई हुकूमत को बदनामी खेल रही है। तफ्तीश का दायरा कुछ और बड़ा करें तो हालात तो क्या सरकार भी मशकूक होने लगती है। यानी डीपीओ बन्नू 4 छोड़ चुके थे, जबकि नए की तैनाती अभी होना बाकी थी। डीआईजी भी छुट्टी पर थे और डीसीओ भी। मैं ट्रांसफ़र बन्नू को हो चुका था, लेकिन चार्ज लिया नहीं था इन प्रैक्टिकल पर्पस, लेकिन यहाँ पे डीपीओ मौजूद नहीं था क्योंकि मैंने अभी चार्ज लेना था। जो भी बात मैं आपको बताऊंगा वो जारी बात है इन्फॉर्मेशन बेस्ड होंगी, जो मुझे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिली है उसी पे बेस्ड होंगी। सिक्योरिटी एजेंसी भी ले ले, इसकी तरफ भी नज़र जा सकती है। पूरी हुकूमती मशीनरी इस जगह पर मैं मानता हूँ कि नाकाम थी। अगर पुलिस ले लें, सिक्योरिटी एजेंसी ले ली, पोलिटिकल एजेंट ले लें, उनको ये पता नहीं था कि 3 घंटे का सफ़र किस तरह हो रहा है। सच कहें तो उस रात बन्नू जेल पर हमले के दौरान इंसदादी कार्रवाई के लिए अहकामात देने वाला कोई सरकारी मजाज मौजूद नहीं था। हमले की रात 1:55 पर वायरलेस पर हमले का पैगाम भी नशर हुआ, मगर इन्हें रोकने का हुक्म देने वाला कोई नहीं था। इंतजामी अमूर की यह सूरत हाल महज एक इत्तफाक थी या हमले की भिनक पहले ही इन अफसरान तक पहुँच चुकी थी, ये अभी तक वाजे नहीं हो सका है। 4 लोगों को हटाया गया, सरकारी अफसरान, जेलखाना जात के जो सरबरा हैं या कमिश्नर बन्नू हैं या पुलिस के जो हैं। जब वो उधर पहुंच गए, फिर जेल डिपार्टमेंट ने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी है, पुलिस नहीं आई, तो सारी चीज़ें हमारे सूबाई हुकूमत की सोच पे हैं। जो कमेटी बैठी हुई है, ये 4-5 टास्क उसको मिले हैं, वो इस पर पूरा डिटेल के बिनेट को इंशाल्लाह जवाब देंगे। इस हमले में सरकारी अफसरान के किसी न किसी तरह मुलविस होने के शवाहिद को किसी तौर भी जुटलाया नहीं जा सकता, क्योंकि हमलावरों के पास जेल की मुकम्मल इंफॉर्मेशन के साथ साथ ड्यूटी पर मौजूद अफराद की तफसील भी मौजूद थी। खत के जरिए, मालूमात मुलाकात के जरिए, टेलीफोन के जरिए, उनके अपने अंदर लोग थे, वो तैयार थे मेरे ख्याल में कि हमला होने वाला है। ये सब चीज़ें हैं, ये तो देखें, ये तो मैं समझता हूँ कि न सिर्फ कैदी बल्कि मुमकिन है कि जो वहाँ पे जेल के मुहाफिजीन हैं उनके अंदर भी उनके लोग हों। जब भी आप चाहें किसी चीज़ का नक्शा
एक मोबाइल को आप वाले को फ़ोन कर लें तो मेरे ख्याल में राइट लेफ्ट और बैक साइड सारा उसको आपको बता देगा, सेंड कर लेगा कि यार नक्शा है। तो इस पर इतना नहीं सोचना चाहिए कि जेल का नक्शा उनको किस तरह हासिल हुआ, क्योंकि जेल तो मेन रोड पर। बन्नू जेल की बात हो तो वाजे रखिएगा कि ये किसी तौर भी ऐसी जेल नहीं थी जहां खतरनाक तरीन कैदियों को रखा जाता। जेल हुकाम भी इस बात को तस्लीम करते हैं। सिक्योरिटी के हवाले से बन्नू पाकिस्तान की कमजोर तरीन जेल थी। जानते हैं क्यों? क्योंकि 2009 में इसी जेल से दो खतरनाक कैदी खाने के चम्मच की मदद से जेल की दीवार में सुराख करके फरार हो चुके हैं। इसीलिए तो चंद मुसल्ला अफराद के सामने हमारी इस जेल के बड़े बड़े और लोहे के मजबूत नजर आने वाले दरवाजे कागज के टुकड़े बनकर बिखर गए। इस प्रिजन की जियोपॉलिटिकल जो लोकेशन है वो इस तरह से है कि 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के फासले पे ट्राइबल एरिया शुरू हो जाता है, और बन्नू सेंट्रल जेल जो है वो दूसरे प्रिजन से इस तरह भी मुख्तलिफ है कि हर, आपने देखा होगा, हर सेंट्रल प्रिजन जो होती है वो पुलिस लाइन्स के साथ एडजेसेंट होती है, लेकिन बन्नू में ये नहीं है। अटैकर्स ने प्लान किया इस चीज़ को। अटैकर्स के पास एक इनिशिएटिव होता है, वो अपना टाइम चूज़ करता है, वो अपना टारगेट चूज़ करता है, वो अपना तरीका चूज़ करता है। आपके पास ये इनिशिएटिव नहीं होते, आपने उसको रिटेलिएट करना होता है अपनी इंटेलिजेंस से, अपनी प्रिवेंशन से, अगर ना हो पाए तो अपनी कैपेबिलिटी से। अभी तक हमने बन्नू जेल हमले से जुड़े ज़मीनी हकायक की पड़ताल की है, जिसमें बड़ा वाजे है कि बन्नू जेल हमले के वक्त दहशतगर्दों के लिए मैदान बिल्कुल साफ था। इन्हें ना तो कोई रोकने वाला था और ना ही किसी जेल अहलकार में मजामत का हौसला, और शायद ये बात हमला आवरों के इल्म में भी थी। जब ही तो रात 1:15 बजे 200 के लगभग मुसल्ला अफराद यहाँ इकट्ठे हो गए थे। इनका मकसद बन्नू जेल तोड़कर अपने अहम साथी समेत कुछ साथियों की रिहाई थी। हमलावरों ने दहशतगर्दी की इस कार्रवाई को कामयाब बनाने के लिए कैसा तरीका वारदात अपनाया, हम ये भी जानेंगे, मगर बन्नू जेल ब्रेक से पहले हमारी ब्रेक।